नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। ऋषभ पंत अब खतरे से बाहर है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आप सभी को पता है 30 दिसंबर की सुबह सुबह उनका एक्सीडेंट होता है। दिल्ली से वो रुड़की जा रहे होते हैं, बीच में उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है और उसके बाद एक भयंकर हादसा होता है। अब हादसे की वजह एक बहुत सिंपल सी बताई जा रही है कि बीच में उनको नींद की झपकी आ गई थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ और एक खतरनाक मोड़ था, लेकिन वहाँ पे डिवाइडर से उनकी कार टकरा गई। ना केवल टकरा गई बल्कि धू धू कर जली भी है। लेकिन गनीमत की बात ये रही कि ऋषभ पंत समय रहते गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रहे, नहीं तो ये हादसा और भयानक हो सकता था। अब ऋषभ पंत की लेटेस्ट अपडेट ये है कि वो पूरी तरीके से फिट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ खतरे से बाहर है। कई तरीके की चोटें आई है उनके पैर में भी चोट है, सर में भी चोट है, कमर में भी चोट है और पीठ पर भी चोट है। अब अगर उनकी इंजरी के बाद बात करें तो इंजरी बहुत सारी है। देखिए, उनके सर पे चोट आई है, प्लास्टिक सर्जरी की गई है, घुटने में चोट है, वहाँ पे उनका एमआरआई किया जाएगा। अभी हुआ नहीं है क्योंकि सूजन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से अब तक एमआरआई की जो प्रोसेस है या जो टेस्ट है उनका हो नहीं पाया है। कमर में उनके चोट लगी है, वहीं जो सर पे उनके जो चोट आई थी उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी की गई है। अब सवाल यह है कि ऋषभ पंत वापस कब मैदान पर लौटेंगे, क्योंकि स्थिति तो अभी बहुत अच्छी है नहीं। पूरी की पूरी मेडिकल टीम उनका इलाज कर रही है, बीसीसीआई उनके ऊपर पूरी देख रेख कर रही है, डीडीसीए की पूरी टीम उत्तराखंड पहुंच चुकी है, वो वहाँ पे सारा जायजा ले रही है। उत्तराखंड की जो सरकार है वो पल पल की खबर ले रही है, लेकिन जो आम फैन है वो ये पूछना चाहता है या वो ये जानना चाहता है कि ऋषभ पंत की मैदान पे कब वापसी होगी। और ये ऐसा हाल बहुत लंबा हो रहा है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि बीसीसीआई के दफ्तर में जो मुंबई में स्थित है वहाँ पर ऋषभ पंत के जो फैंस हैं वो बीसीसीआई ऑफिस के बाहर खड़े हो गए हैं। वो लगातार पूछ रहे हैं कि ऋषभ पंत कब खेलेंगे। यही नहीं, बीसीसीआई के अधिकारियों ने तो ये तक बताया कि बहुत ज़्यादा बीसीसीआई के दफ्तर में कॉल आ रहे हैं और जो ऋषभ पंत के फैंस हैं वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऋषभ पंत कैसे हैं और वो कब मैदान पर लौट पाएंगे। क्या वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे? तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, लेकिन वापसी करना अगर बताएं उनकी तो बहुत मुश्किल है। कम से कम 6 महीने, जो चोट को देख के उनको लग रहा है कि कम से कम वापसी करने में 6 महीने तो उनकी लग जाएंगे, क्योंकि रिस्ट में भी चोट है, घुटने में चोट है, पीठ में चोट है, और खासकर देखिए घुटने में अगर चोट है तो बहुत गहरी चोट ना हो तो उसके बावजूद उनको समय लगेगा, क्योंकि विकेट कीपर है, बैंड होते हैं, बैठते हैं, बैठ के ही विकेट कीपिंग करते हैं, तो उस समय उनका घुटना पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। फिर उसके बाद जब पूरा शरीर उनका तरोताज़ा हो जाएगा, फिट हो जाएगा, तो उसके बाद एक क्रिकेट की प्रोसेस होती है। वो NCAA जाएंगे, फिटनेस टेस्ट हासिल करेंगे और उसके बाद टीम इंडिया में वापसी करेंगे। तो तकरीबन ये तो हम कह सकते हैं कि देखिए ऋषभ पंत IPL से बाहर हो चुके हैं, उनका IPL में खेलना बहुत मुश्किल है। अब IPL में दिल्ली कैपिटल्स की वो कप्तानी करते थे, अब उनकी जगह कौन कप्तान होगा ये भी सवाल है। लेकिन जिस हिसाब से उनके लिए फोन आ रहे हैं BCCI के दफ्तर में, लोग या फैंस मैदान BCCI के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं, वो कम से कम ये दिखाता है कि इस खिलाड़ी के बारे में चाहे कोई कितनी ही आलोचना कर ले, लेकिन प्यार भी उतने ही खिलाड़ी इस खिलाड़ी से करते हैं और फैंस उनसे प्यार करते हैं बहुत, और उनके लिए दुआ भी मांग रहे हैं कि जल्द से जल्द ऋषभ पंत ठीक हो जाए। तो ऋषभ पंत जो BCCI के दफ्तर में फैंस उनको कॉल कर रहे हैं अधिकारियों को, तो उनको मैं बता दूं कि कम से कम 6 महीने उनको लगेंगे, जो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है जिन इंजरी को देखते हुए। तो आप हम सभी ये दुआ कर सकते हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वापस से उसी चौके और छक्के वाले ऋषभ पंत को मैदान पर देखें जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ऋषभ पंत के बारे में आप क्या कहेंगे, आप कैसे दुआ कर रहे हैं उनके लिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके अलावा आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।